ओबेसिटी या मोटापा आज के समय की एक गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस, डायबिटीज़। जिन लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो आगे चल के आपके हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करता है। महिलाओं की बात करें तो जहाँ वजन बढ़ा हुआ होता है, वहाँ पर थायराइड और PCOD जैसी गंभीर समस्याएँ देखने को मिलती हैं। मैं डॉक्टर देवेश यादव आज आपसे बात करूंगा एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में, जिसके जरिए आप अपने बढ़े हुए वजन को वापस से कम कर पाएंगे, अपने बढ़े हुए पेट को वापस से कम कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्यो क्लिक पर। दोस्तों, आज जिस घरेलू नुस्खे के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके जो इन्ग्रीडियंट हैं वो बहुत ही कॉमन हैं और हमारे सबके किचन में आसानी से उपलब्ध हैं। ये है लौंग, दालचीनी और जीरा। हमें इन तीनों की आवश्यकता है। दोस्तों, ये तीनों हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, हमारी पाचन शक्ति को दुरुस्त कर। दोस्तों, हमें इन तीनों को बराबर अमाउंट में लेना है। लौंग, जीरा और दालचीनी को बराबर अमाउंट में लेके इसका पाउडर फॉर्म तैयार करना है और इसे हम बॉक्स में इकट्ठा करके रखेंगे, ताकि हम इसे रोज़ यूज़ करें। हम सुबह उठते हैं तो हमें पानी गर्म करना है, करीब 1 से 1.5 कप लौंग, दालचीनी और जीरा का जो पाउडर फॉर्म तैयार किया है, उसका आधा चम्मच हमें इसमें मिला देना है। साथ ही साथ यहाँ पे हम 1 चम्मच शहद भी घोलेंगे, जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे वेट लूज होने पे हमें एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है शरीर में, जिसकी वजह से हमें कमजोरी महसूस नहीं होती। इसको मिलाने के बाद हम इसे गुनगुने ही चाय की तरह चुस्कियों में सेवन करेंगे। आप इसको, इस रेमेडी को करीब 1 महीने तक फॉलो करिए, आपको 10 दिन में ही अंतर देखने को मिलेगा। करीब 1 से 1.5 महीने में आपको अपना अच्छा खासा वजन आपका लूज हो जाएगा। इसके साथ ही अपने आप में आप डाइट में थोड़े बदलाव करिए, थोड़ी हेल्दी डाइट लीजिए, बाहरी खाना पीना थोड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको और तेज़ी से फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में हमसे बिल्कुल पूछें, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।